केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र कुमार आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के दर्शन करने टीकमगढ़ के प्रसिद्ध जैन तीर्थ पपौरा जी पहुंचे। उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने केंद्र सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर सरकार की अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के बारे में भी आचार्य श्री से चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने हथकरघा से बने हुए वस्त्रों के काम को सराहते हुए इसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री से बात करने की बात कही। आचार्य जी का टीकमगढ़ में आगमन अकेले टीकमगढ़ के लोगों के लिए नहीं, समूचे बुंदेलखंड के लोगों का मन इससे बहुत हर्षित है और मात्र आचार्य जी के दर्शन करने मात्र से ही सारे तीर्थ दर्शन का जो है ना लाभ जो है ना वो यहाँ मिल जाता है। और हथकरघा के काम को प्रोत्साहित करके समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को इसके साथ में जोड़कर न केवल स्वदेशी की धारणा को आगे बढ़ाने का काम किया है बल्कि इससे लाखों लोगों को एक स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में भी इससे काफ़ी इससे मदद मिल रही है। और उसमें एक और कदम आगे बढ़ा कि जेल के कैदियों को भी और हथकरघा के साथ में जोड़ देने का आचार्य जी की प्रेरणा से जो अभियान प्रारंभ हुआ है यह अपने आप में बहुत अवर्णनीय है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। जेल में वहाँ पर जेली के वहाँ के जेल में रहने वाले कैदी के उनके वचनों मात्र से जो है ना उनको अच्छे संस्कार का भाव जागृत हुआ बल्कि जेल के अंदर भी और हथकरघा को प्रशिक्षण और उन हथकरघा के वस्त्रों को बनाए जाकर समाज में उनको विक्रय के लिए आगे प्रोत्साहित करने का जो अभियान आचार्य जी की प्रेरणा से प्रारंभ होकर आज देश के कई राज्यों में तक ये विस्तारित हो गया है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज़।